नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव में। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद बंगाल वॉरियर्स के सुपरस्टार, और फिलहाल इस पीकेएल 10 की ही बात नहीं करेंगे, अगर पूरे जब से बंगाल वॉरियर्स का साथ थामा है तब से लेकर अभी तक जो बंगाल की टीम के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं। महेंद्र पाजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। हमें पता है टूर्नामेंट के बीच में आप कहीं और बात करना, वो कंसंट्रेशन से थोड़ा दूर होना मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पाजी। हम पीकेएल 10 पे आएंगे, करेंट परफॉर्मेंसेस पे आएंगे, बंगाल की टीम पे, सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन एक जर्नी अगर मैं पूछूं मणि पाजी की, जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। कबड्डी जर्नी अपने मतलब जी हाँ, पूरा आपके शुरुआत कैसे हुई कबड्डी की जर्नी की, कहाँ से वो इंस्पिरेशन? वही दस रहे भाई जी, कबड्डी की अपनी जर्नी जैसे अपने गाँव से शुरू हुई थी, क्योंकि अपनी फैमिली में जैसे अपने फादर थे वो सर्कल कबड्डी खेलते थे, तो उनको भी यही था कि भी कबड्डी खेले ना, तो बाकी हमारे गांव की टीम थी जैसे, बाकी रण सिंह रणिया खेलता ना, उसको देख के लगे थोड़ा कबड्डी में नेशनल स्टाइल में, पहले क्योंकि हमारे सर्कल कबड्डी ज़्यादा चलती है ना, तो वो कबड्डी ज़्यादा खेलते थे, फिर बाद में रणिया भाई के साथ मिलकर मतलब नेशनल स्टाइल खेलनी शुरू करी। सर्कल कबड्डी से शिफ्ट करना जब नेशनल स्टाइल कबड्डी में आपने जिसकी बात करी, कितना मुश्किल था या कितना आसान था? सर्कल कबड्डी थोड़ी मुश्किल कबड्डी है जी, हाँ, बाकी नैनो स्टाइल जब मैं वो सर्कल में भी रेडर ही था ना, तो ये खेलना थोड़ा आसान ही लगता है। हाँ जी, और सर्कल कबड्डी की आपने बात करी, आपने ये भी कहा कि मुश्किल होता, और नेशनल स्टाइल आप कबड्डी की बात करते हो शायद कंपेरेटिवली उससे थोड़ा आसान। अभी जब दोबारा घर जाते हैं, वापसी आप जब ब्रेक पे होते हैं, खेलते हैं सर्कल कबड्डी? हाँ जी, हाँ जी भाई, सर्कल जैसे हमारे गाँव के आसपास टूर्नामेंट होता है ना, कोई अपने यार दोस्त करवाते हैं ना, तो वो टूर्नामेंट में खेलना ही पड़ता है ना, बाकी जहाँ अपना फादर कहता है उधर भी चले जाते हैं खेलने। हाँ जी, और अपने नेशनल साइड कबड्डी स्टाइल की बात करी, प्रोफेशनली कबड्डी खेलने में ऑब्वियसली हमें पता है कबड्डी एक मिट्टी से जुड़ा गेम है प्रोफेशनल, लेकिन बहुत अलाइदा होता है, बहुत अलग होता है मैट पे आप खेलते हैं, लेकिन कबड्डी आप ऐसे अमूमन गाँव में जाके देखिए, बहुत सारे बच्चे जो या खिलाड़ी हैं वो मिट्टी में कबड्डी खेलते हैं, वहाँ से जुड़े होते हैं, कितना अलग होता है इन दोनों चीज़ों के बीच एक डिफरेंस, अगर एक मैं प्रोफेशनल एक लेजेंड से बात करके पूछूं तो? कबड्डी भाई ना है ही मिट्टी की गेम है ना, बाकी हम जैसे अपने उधर पंजाब में प्रैक्टिस करते हैं तो मिट्टी पे करते हैं, क्योंकि सर्कल कबड्डी की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है हमारे, बाकी मैट पे जैसे मैं पंजाब पुलिस में हूँ तो उधर मैट पे भी प्रैक्टिस चलती है, तो अलग तो बहुत ज़्यादा है ना, जैसे अभी मैट पे कबड्डी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, मिट्टी में ये था कि इंजरी बहुत कम थी, मैट पे इंजरी बहुत ज़्यादा आने लगी प्लेयरों को, तो उसकी वजह से हमें फिटनेस बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेन करनी पड़ती है। फिटनेस कबड्डी में हमें पता है कि आपको देखिए मूवमेंट की बात करें, एजिलिटी की बात करें, बहुत ज़रूरी है, और आपकी फिटनेस माशाल्लाह बहुत शानदार। एक चीज़ महेंद्र पाजी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टैटूओं का क्या राज है? मैंने बहुत सारे टैटू देखे हैं आपके, पहले तो ये हाथ पे जो आपके टैटू हैं, एक आपके पैरों पे पीकॉक का टैटू है वो? हाँ जी, अपने टैटू के बारे में जरा हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करें, क्योंकि बड़े सारे यंग बच्चे जो देखते हैं वो जानना चाहते हैं। टैटू तो भाई जैसे हम जयपुर में खेले थे पहले था ना, तो 2014 में, हाँ जी जी, तो वो जैसे हमारी टीम का नाम पैंथर था ना, तो उसको मतलब ट्रॉफी जीतने के बाद हमने पहले पैंथर बनाया था ना, तो ऐसे ही बस टैटू की शुरुआत हो गई थी, पैंथर से शुरू हुआ, अभी लवाइन पे आ गए लास्ट में। तो टैटू का आपको शौक है? शौक हाँ जी, जैसे मेरा रणिये भाई को देख के मेरे को शौक ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि उसके पैंथर का टैटू था, उसने कनेडा से बनाया था, तो मैंने फिर इधर पंजाब से बनाया था ना, तो ऐसे जितने सीजन खेलते गए ना कुछ मतलब टैटू बनाते रहे होते हैं। पाजी, सीजन्स की आपने बात करी है, 2014 में आपने जयपुर पिंक पैंथर से शुरुआत करी थी प्रो कबड्डी की, लेकिन उसके बाद आपने कुछ सीजन मिस भी किए थे। हाँ जी, एक वो दो, उसका कारण क्या था वो मिस करने का? इंजरी हो गई थी मेरे बैक पे ना, इंजरी, मैं यही सुनना चाह रहा था इंजरी। और अभी आपने थोड़ा सा पिछले आपने पहले बात करी फिटनेस की, हमने देखा बहुत सारे खिलाड़ी इंजरी प्रोन हो जाते हैं, और इंजरी की वजह से शायद कहीं ना कहीं करियर में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन, बिसाइड द फैक्ट कि वो कोई भी स्पोर्ट हो, उसके लिए इंजरी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। एक कबड्डी प्लेयर के लिए कितना मुश्किल होता है वापसी कर पाना मैट पर? वापसी तो कोई इतना बड़ा चक्कर नहीं है ना, बाकी अपने घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ना, क्योंकि अपने जो मम्मी डैडी है ना या अपने घर वाली है वो पूरी सपोर्ट करते हैं, बाकी जो मेरे साथ यार दोस्त रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है, बाकी जैसे हमारे डॉक्टर हैं और ट्रेनर है ना, फिजियो ट्रेनर्स का है, हाँ जी हाँ, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, तो ऐसे ही है, वो आप पे ही है भाई, आपने जो इंजरी है कितनी टाइम में रिकवर करनी है ना, 6 महीने में भी हो सकती है, 14 महीने में भी हो सकती है। मेंटली कितना प्रभाव पड़ता है अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है तो? इंजरी के बाद बंदे की मूवमेंट चेंज हो जाती है ना, क्योंकि जैसे आपके चोट लग जाती है तो उसको बचाने लग जाए बंदा बाद में, तो बहुत ज़्यादा फर्क पैदा ना, मेंटली स्ट्रांग आपको जो आपके साथ रहते हैं 24 घंटे बंदे वो स्ट्रांग कर सकते हैं ना, क्योंकि अब जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो अपना ध्यान उस पर रहता है इंजरी पे, तो जब अगर आपके साथ बंदे बढ़िया है ना, आपकी फिजियो बढ़िया है, तो फिर कोई चक्कर नहीं है।
2014 में प्रो कबड्डी की पाजी आपने शुरुआत करी थी जयपुर पिंक पैंथर्स में, दोबारा से उस पर आऊँगा। उसके बाद दो सीज़न आपने इंजरी की वजह से मिस किया, लेकिन फिर बंगाल वॉरियर्स वो साथ लगातार चलता आया, चाहे ऑक्शन तक जाए फिर बंगाल वॉरियर्स, चाहे ना रहे फिर बंगाल वॉरियर्स। पाजी ऑब्वियसली पंजाब से आते हैं लेकिन बंगाल के लिए खेलते हैं, दो अलग अलग स्टेट्स, बिल्कुल अलहदा बिल्कुल अलग, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है भाई, जैसे बंगाल की टीम तो अभी अपने घर की टीम लगती है ना, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। बाकी जैसे हमारी मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बन गई है ना, तो उनके साथ हम भी बढ़िया रहते हैं, वो हमारे साथ बढ़िया रहते हैं, तो एक टीम में मतलब इतना लंबा टाइम खेलना है ना, बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए तो। बाकी ये है कि अपने घर की टीम है जी। हाँ जी जी। और पाजी बंगाल की टीम, अब थोड़ा सा करेंट अगर सिचुएशन पे बात करें, करेंट सिनेरियो पे बात करें, बंगाल वॉरियर्स पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पे हैं, 8 मैचेस 3 जीत 3 हार 2 ड्रॉज, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस, पहले हम ऑफेंस और डिफेंस दोनों की बात करेंगे, लेकिन अगर ऑफेंस की बात करें तो मनिंदर पाजी, श्रीकांत यादव बहुत एक्सपीरियंस दोनों के पास, लगातार लंबे वक्त से खेलते आ रहे हैं, नितिन युवा खिलाड़ी, अभी मैं आपका एक हालिया इंटरव्यू अपने सुनील सर को दिया था, तनिजा सर को, उनसे उनका भी मैं सुन रहा था, वहाँ पर अपने नितिन की तारीफ भी करी थी, एक संतुलन, एक एक्सपीरियंस वहाँ पे दो खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन युवा खिलाड़ियों के साथ टीम भरी हुई है, वो संतुलन बना पाना और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाना युवाओं के साथ, ताकि वो आगे चल के फ्यूचर में टीम के लिए बेहतर करें, आप ग्रूम करते हैं, कैसा होता है वो? बढ़िया भाई, जैसे वो नया लड़के है ना, बाकी जैसे अभी शुभम थोड़ा अभी इंडिया कैंप लगा गया, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया उसको ना, बाकी अभी ये है कि लीग थोड़ी खुल रही है ना, अभी तो हमारे 6-7 मैच ही हुए हैं, तो अभी जैसे नए लड़के हैं उनकी परफॉर्मेंस अभी और बढ़िया होगी, क्योंकि टूर्नामेंट खेलने से ही बंदे ना बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। बाकी ये है कि चलो अभी हमारा जो पिछले 2 मैच हुए हैं वो मैच तो जीतने वाले थे हमारे ना, तो वो छोटी छोटी गलतियाँ जो हुई है वो उस पर काम करे अभी आगे बढ़िया होगा। हाँ जी बिल्कुल। ऑफेंस की अगर आप बात करें, रेडिंग की बात करें पाजी, वहाँ पे आप हैं और श्रीकांत जाधव हैं, आपको लगता है क्या इन दो खिलाड़ियों पे ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ज़्यादा रेडिंग ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा गेम टाइम मिल रहा है, अब लंबा टूर्नामेंट है पीकेएल, काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है, बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, तो ऐसे में एक फटीग भी हिट करता है उस पर? नाना भाई जाना से प्रेशर तो कोई नहीं होता ना, हम मतलब तीनों रेडर ऐसे हैं कि एक को भी जोड़ देंगे कि सारे मैच में सारे मतलब खेल सकता है मैच है ना, अकेला अकेला बंदा, तो ऐसे तो कोई चक्कर नहीं है ना भाई, प्रेशर रहता है जहाँ जैसे भी है। बाकी अभी ये है कि हम तीनों रेडर बराबर चल रहे हैं अभी, मतलब ऐसे कोई चक्कर नहीं है अभी। डिफेंस की बात करें, शिंदे वहाँ पे, शुभम शिंदे मौजूद हैं, आदित्य शिंदे मौजूद हैं साथ में उनका, साथ वहाँ पे दर्पण भी निभा रहे हैं, डिफेंस क्या लगता है बंगाल वॉरियर्स की टीम थोड़ी सी कमजोर है, खासतौर से लेफ्ट कवर की बात करें? नहीं नहीं भाई जान, अपने कमजोर नहीं है मुंडे जता, नवे मुंडे आ जाता है ना, तो उन्हों का फर्क पै जाता थोड़ा जा। बाकी अभी लीग में आपको मैंने जैसे पहले बोला कि खुल नहीं रही, अभी खुल जाएगी मतलब 10 मैच के बाद है ना, तो उनका भी दिल खुल जाएगा बहुत ज़्यादा। बाकी जो आप दर्पण की बात कर रहे हैं, वो बंदा पूरा तगड़ा है ना, हाँ नया लड़का है, पावर भी है, स्पीड भी है, सारा कुछ है। बाकी शुभम शिंदे आ गया, वैभव गर्जे हो गया है ना, तो ये लड़के एक्सपीरियंस है क्योंकि पिछले साल हमारे साथ थे। बाकी ये मतलब मैच चलने की बात होती है ना, किसी दिन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चल जाते हैं, तो किसी दिन थोड़ा फेल भी हो जाते हैं, तो ऐसे ही प्लेयर से गलती भी होती है, प्लेयर बढ़िया भी खेलता है माड़ा भी खेलता है। एग्जैक्टली, तो जिसकी बात हमने करी कि देखिए युवा खिलाड़ी टीम में बहुत हैं, और जब दो एक्सपीरियंस खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव शेयर करें, उनके अंडर बहुत सारे खिलाड़ी बहुत कुछ सीखते हैं, उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं। एक सवाल पाजी, हाल ही में आपने एक और कीर्तिमान बनाया है, 130 मैचेस 1309 पॉइंट्स, कैसा लगता है जब वो पॉइंट लेके आए थे तो वो एक स्क्रीन पे जो बहुत बड़े में आपकी फोटो और वो सारी चीज़ें, उस वक्त थोड़ी सी सेंसेशन महसूस होती है? मैं जब मैच खेलने गया मेरे को पता नहीं था मेरे मतलब स्कोर 1300 हो रहे हैं ना, मैंने कभी देखे नहीं अपने स्कोर कितने हुए कितने नहीं, वहाँ हम तो मैच खेलते हैं तो स्कोर तो अपने आप ही आई जाते हैं जी। हाँ जी, बाकी खुशी तो होती है ना, क्योंकि जब अपने यार दोस्त बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, तो फिर अपने को भी बढ़िया लगता है जी। जब शुरू किया था तो इसकी उम्मीद थी कि एक मुकाम ये भी आएगा? ना ना, ऐसे कोई चक्कर नहीं बजना, ऐसे कभी नहीं सोचा, अगले साल का तो सोचते नहीं है ना, ना पिछले का सोचते ना अगले का, बस जो चल रहा है उसका ही सोचते हैं बस। बंगाल वॉरियर्स टीम की हम बात करें, कैसी टीम बॉन्डिंग चल रही है? टूर्नामेंट अभी ठीक है, अभी 8 मैचेस हुए हैं, अभी 5वें स्थान पर भी बहुत मैचेस खेलने हैं, टीम बॉन्डिंग कैसी चल रही है, आगे को लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं, कोचेस से कैसी बातचीत चल रही है? बॉन्डिंग तो बहुत बढ़िया जैसे है ना, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के प्लेयर हैं 6-7, तो उनकी आपस में बढ़िया है, तो बीच में जैसे हम 2-4 बंदे ऐड हो गए ना, तो बॉन्डिंग तो अभी बहुत बढ़िया चल रही है ना, क्योंकि जैसे रेडरों का ज़्यादा होता है, मैं और श्रीकांत जो जैसे पिछले साल भी इकट्ठे खेले हैं ना, बाकी हम टूर्नामेंट भी इकट्ठे खेले हैं, बाकी नितिन जैसे नया लड़का आ गया अपने है ना, तो उसके आने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पै गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बॉन्डिंग है, बढ़िया टीम करेगी आगे और ज़्यादा जी।
पाजी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जाते जाते पंजाब से आते हैं, अभी हाल ही में मैं प्रदीप नरवाल से भी मिला था, सुरेंद्र से भी मिला था, और कहीं आसपास के ही रीजन से सारे हैं। खाना, पंजाब का खाना और बाकी जगहों पर जो आप ट्रैवल करते हैं वहाँ खाना कितना मिस करते हैं? खाना तो भाई जान अपने आपको पता है बहुत साफ सुथरा खाना तो पंजाब जी का ही है ना, है बिल्कुल। ना, दूध दही सुबह उठते खाते इसी हैं। दूध पे ही मेरी सुरेंद्र पाजी से बात हुई थी, मैं वहीं आ रहा था। बिल्कुल दूध अपने जो पंजाब में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है जी। हाँ, क्योंकि जो ओरिजिनल दूध है अपने घर का ना, वो पीने में और इधर होटलों में पीने का बहुत फर्क है। ये तो हम पीते नहीं है फिर। बच्चे जो कबड्डी की तरफ अपना करियर बनाना चाहते होंगे, कबड्डी को एज अ स्पोर्ट, एज अ करियर देख रहे होंगे, उनके लिए एक मैसेज? उनके लिए यही है भाई जान कि कबड्डी अभी बहुत ज़्यादा अप हो रही है ना, पता नहीं हम ओलंपिक में भी शायद ना बोल रहे हैं कि आ जाएगी। आ जाएगी जी, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मौका है ना किसी ने नाम बनाना अपना, बढ़िया खेले अपनी, बढ़िया फिटनेस पे ध्यान दे और बढ़िया पहले तो इंसान बने है ना, बिल्कुल। पहले इंसान बढ़िया होगा तो कबड्डी अपने आप ही बढ़िया हो जाएगी। हाँ जी, और इस बार एशियन गेम्स हुआ था, वहाँ पे इंजरी कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से आप नहीं हाँ आ जी, हाँ पाए? जी, अपने फादर की थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी है ना, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया था और नहीं किया था। आगे की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं पाजी? आगे तो भाईजान खेलते रहेंगे, जितना टाइम भगवान चाहेगा खेल ही जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी अपना वक्त हाँ देने के लिए। ठीक है जी, और जैसा आपने ऑडियंस को बताया, हमारे यंग प्लेयर्स को बताया कि ना तैयारियाँ लगातार चालू रखिए, अच्छे ना जी, इंसान ना बनिए। ना बहुत सही बहुत है, शुक्रिया थैंक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैचेस यू पाजी। थैंक भाईजान। यू सो मच।